डियर स्टूडेंट्स, सीबीटी परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में पार्ट टू में आपका स्वागत है। आज हम सीबीटी परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर सहित आपके सामने लेके आए हैं, जो आप पढ़ेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण फ़ायदा मिलेगा। अब जैसे आपका सुरक्षा से संबंधित क्वेश्चन किए थे, उसी श्रृंखला में आज का एक पहला प्रश्न है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है। इसमें ऑप्शन ए है एपरन, बी है चश्मा, सी कांच कवच कान कवच और डी है नाक कवच। इसमें जो राइट आंसर है वो डी है नाक कवच। नाक कवच जो होता है, नोज मास्क होता है, वो धुएं से सुरक्षा के लिए पहना जाता है। इसी श्रृंखला में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीआईएस, बीआईएस का पूर्ण रूप क्या है। बीआईएस का पूर्ण रूप है, इसका सही आंसर है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पीपीई का क्या नाम है। ये जो आपको चित्र में दिखाया गया है, इस पीपीई को क्या बोलते हैं, ये जो पीपीई जो चित्र में दिखाया गया है उसको क्या बोलते हैं। इसके लिए ऑप्शन ए है नाक कवच, बी है सर का कवच, सी है चेहरे का कवच, डी है हाथ स्क्रीन। तो इसमें जो आपको दिखाया गया है, इसका राइट आंसर है डी हाथ स्क्रीन। जो हाथ की स्क्रीन है वो वेल्डिंग करते वक्त वेल्डर अपने हाथ में रखता है, और जो अल्ट्रावायलेट किरणें वगैरह आती हैं उससे सुरक्षा करती है। इस पीपीई किट का नाम है हाथ स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है, यानी किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। इसका पहला ऑप्शन है विद्युतीय नुकसान, दूसरा जैविक नुकसान, तीसरा है शारीरिक खतरा और चौथा है मानसिक नुकसान। और तो इसमें जो जैविक नुकसान जो ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि जैविक हजार्ड जो होते हैं, बायोलॉजिकल हजार्ड होते हैं, उनसे आपका संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संकेतक चिन्ह का क्या नाम है। संकेतक चिन्ह को दिखाया गया है, इसमें ए है विद्यालय, बी है संरक्षित, सी है असंरक्षित, डी है पैदल क्रॉसिंग। देखिए, आपको देखने से भी इसमें पता चल जाएगा कि इसमें कोई व्यक्ति पैदल क्रॉस कर रहा है, जिसमें लाइनें लगी होती हैं वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक, उसमें से हम पैदल आ जा सकते हैं। तो यह सचेतक चिन्ह हमें सचेत करता है कि यहाँ से पैदल क्रॉसिंग कर सकते हैं। तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब औजार स्टार्ट हो जाते हैं आपके, औजारों में से लिए गए हैं, इस गेज का क्या उपयोग है। गेज का चित्र दिखाया गया है, इस गेज का जो उपयोग होता है वो जॉब की आंतरिक त्रिज्या ज्ञात करने के काम में लिया जाता है, और जॉब की आंतरिक त्रिज्या ज्ञात करने के लिए इस औजार का उपयोग किया जाता है। इस औजार का नाम है फिलर गेज। फिलर गेज आंतरिक त्रिज्या जांचने के लिए काम में लाया जाता है। इसी क्रम में औजारों में रेती का क्या नाम है। ये जो चित्र दिखाया गया है, इसमें रेती दिखाई गई है, और आपको देखने से भी पता चल जाता है कि ये रास्प कट रेती है। इसको उपयोग लकड़ी को घिसने के लिए किया जाता है, और लकड़ी के जो जॉब होते हैं उसको घिसने के लिए रास्प कट रेती का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह मोटराज छेनी का उपयोग पूछा गया है। मोटराज छेनी जो होती है उससे लकड़ी में आयताकार छिद्र बनाने के लिए मोटराज छेनी का उपयोग किया जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस ड्रिल बिट का क्या नाम है। तो ये जो ड्रिल बिट दिखाई गई है चित्र में, इसका नाम पूछा है। ये जो ड्रिल बिट है, ये टेपर सिंक ड्रिल बिट है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, टेपर सिंक ड्रिल बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार के स्टैक का उपयोग किया जाता है। जो सीट मेटल जो होती है उसमें एक लोहे का आप देखते होंगे, जिसको आम भाषा में घन बोलते हैं, वो घन है, उसको सीट मेटल ट्रेड में उसको स्टैक बोला जाता है। तो किस प्रकार का स्टैक उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वर्गाकार स्टैक, यानी स्क्वायर स्टैक का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आईएसओ मैट्रिक फाइन थ्रेड M12 into 1.25 में
1.25 नंबर क्या इंगित करता है, ये थ्रेड का पिच जो इंगित करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया बी, थ्रेड का पिच इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं को उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है, यानी अनियमित शाखाएं उगती हैं तो इससे गांठ का जो दोष होता है वो उत्पन्न हो जाता है और इससे बहुत ही लकड़ी में गांठें पड़ जाती हैं और ये दोष उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेनन आरिकुए कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है, टेनन सा में आप धार लगाते हैं, दांते निकालते हैं, तो इसमें किस प्रकार की रेती का उपयोग किया जाता है, तो इसमें आपका जो आंसर है वह त्रिभुजाकार रेती यानी ट्रेंगल फाइल से टेनन सा के दांते निकाले जाते हैं, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स से इंगित रेती का भाग बताइए, देखिए चित्र में रेती का जो चित्र दिखाया गया है और इस रेती के चित्र में आपसे पूछा गया है कि एक्स जो पार्ट दिखाया गया है इस पार्ट को क्या कहते हैं, ये जो एक्स पार्ट है इसको बोलते हैं हील, तो इसमें राइट आंसर हो गया बी, हील जो होता है ये होता है इसका जो ये हैंडल है और इसके यहाँ जो होता है इसको टैंग बोलते हैं, ये जो ऊपर का पार्ट है एज बोलते हैं और ये जो एक्स पार्ट है इसको हील बोलते हैं। नेक्स्ट, इस औजार का नाम क्या है, ये जो चित्र में आपको औजार दिखाया गया है इस औजार का नाम पूछा है और इस औजार का नाम होता है जेनी कैलिपर, जेनी कैलिपर जो होता है ये मेजरमेंट के लिए उपयोग किया जाता है, एक साइड नुकीला होता है दूसरी साइड इसमें थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है और इस औजार का नाम जेनी कैलिपर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का क्या है, इसमें देखिए आपको छेनी दिखाई गई है और छेनी के जो टिप पॉइंट जो होते हैं वो होते हैं ये यहाँ से टिप पॉइंट, तो ये जो होता है अल्फा, ये बीटा और ये गामा, तीन एंगल दिखाए गए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ये जो एक्स एंगल है इस एंगल का नाम पूछा गया है कि ये कौन सा एंगल होता है, तो इसमें पूछा है छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है, तो इसमें अपने को चार ऑप्शन दिखाए गए हैं, तो इसमें पॉइंट कोण कहलाता है, इसका जो राइट आंसर है वो है पॉइंट कोण, तो राइट आंसर इज बी, पॉइंट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्मर छेनी का उपयोग क्या है, फर्मर छेनी जो होती है उसका उपयोग पूछा है कि फर्मर छेनी का उपयोग क्या है, इसका उपयोग होता है सामान्य छेनीकरण कार्य यानी जनरल चीजलिंग का जो कार्य होते हैं, सामान्य छेनीकरण कार्य होते हैं, इसमें फर्मर छेनी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, 90 डिग्री मोड और अंदर से निकले हुए धातु के साथ ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नेच का उपयोग किया जाता है, ये जो नेच होती है ये भी लोहे की एक विशेष आकृति का एक घन होता है, तो इसमें वी नोच का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर इज ए, इसका जो राइट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्रम में, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती का प्रयोग की जाती है, यानी लकड़ी की आंतरिक भाग को काटने के लिए यदि आपको वक्र आकार में काटनी हो, गोलाई में काटनी हो, तो इसमें आपको कौन सी आरी का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए आपको की होल आरी की आवश्यकता पड़ती है और की होल आरी से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, शीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाली स्टैक का नाम है, चित्र में एक स्टैक दिखाई गई है और उस स्टैक का नाम पूछा गया है आपसे, तो ये जो स्टैक है इसका नाम है ब्लो हॉर्न स्टैक, ये ब्लो हॉर्न स्टैक की आकृति दिखाई गई है चित्र में और इसको बोलते हैं ब्लो हॉर्न स्टैक। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब ट्रेड के होंगे, सर्किट के होंगे, एसी के होंगे, डीसी के होंगे, वो लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।